ठीक है, आज बात करेंगे हम नेपियर घास के बारे में, ठीक, जिसे हाथी घास भी कहा जाता है। कौन सी घास? नेपियर घास या हाथी घास? हाथी घास क्यों कहते हैं? हाथी घास इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाथी जो है इस घास में छुप जाते थे, क्योंकि ये जो घास होती थी काफी ऊंचाई तक होती थी, 10-12 फीट ऊंची, तो इसलिए इसमें हाथी छुप जाते थे, इसलिए इसे जो है नेपियर घास कहा जाता है। देखते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेनिसुटम परप्यूरम। क्या होता है? पेनिसुटम परप्यूरम, ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया, वनस्पतिक नाम हो गया। फिर उसके बाद बात करेंगे क्रोमोजोम नंबर क्या होता है इसका। क्रोमोजोम नंबर इसका 2n बराबर 28 होता है। कितना होता है? 2n बराबर 28 होता है, 2n बराबर 28 होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थल क्या है, तो ओरिजिन की बात करते हैं। क्या ओरिजिन? ओरिजिन इसकी है क्या? साउथ अफ्रीका। क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का एक रोडेशिया शायर है, वहां पर इसका उत्पत्ति स्थल पाया जाता है। कौन सा शायर है? रोडेशिया। यहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थल पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं ये किस लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो है अधिकतर चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार उपयोग किया जाता है? चारे के एक तरह की एक फूडर क्रॉप है, खरीफ क्रॉप की एक ये फूडर क्रॉप है, फूडर क्रॉप के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका साल भर इसको जो है इस फसल को लिया जा सकता है, साल भर, यानी कि तीनों सीजनों में जो है इसकी फसल को लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका क्षेत्रफल एवं वितरण की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? क्षेत्रफल एवं वितरण के बारे में बात करेंगे, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसके बारे में बात करेंगे? एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये जो है सबसे ज्यादा अगर बात कर ली जाए कहाँ पर उगाए जाते, तो जितने भी गर्म क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र हैं? गर्म क्षेत्र हैं ये। गर्म सबसे पहली बात, गर्म क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहाँ? गर्म क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, जितने भी आपके गर्म क्षेत्र हैं, लगभग जितने अफ्रीकन क्षेत्र हैं या जितने भी गर्म क्षेत्र अपने भारत में भी उगाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो ज्यादा गर्म क्षेत्र हैं वहां पर। जैसे कि इन वर्ल्ड की बात कर लें तो जैसे हो गया कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कि हो गया आपका मध्य अमेरिका हो गया। कौन हो गया? मध्य अमेरिका हो गया, मध्य अमेरिका हो गया, मध्य दक्षिणी अफ्रीका हो गया, मध्य दक्षिणी अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत हो गया। यानी मध्य अमेरिका, मध्य दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन देशों में जो है इसके कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अगर भारत की, कि भारत में किन-किन स्टेटों में इसकी क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है, तो वो आपका कौन कौन से हैं? तो जैसे आपका पंजाब हो गया। कौन हो गया? पंजाब हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सभी स्टेटों में मुख्य रूप से इसकी फसल उगाई जाती है। ठीक है ना, दक्षिण भारत में तो ये प्रमुखता उगाई ही जाती है, लेकिन ये जो है उत्तर भारत में, जैसे कि आपका यूपी और पंजाब है, यहाँ पर जो गर्म मौसम होता है, गर्मी वाला मौसम होता है, तभी उगाया जाता है, क्योंकि ये जो फसल है ट्रॉपिकल क्लाइमेट की है। किस क्लाइमेट की है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट की है। ठीक है, और जो आपका जो मध्य क्षेत्र है, मध्य मैदानी क्षेत्र है, वहां पर तो इसकी खेती की ही जाती है, और दक्षिण भारत में भी इसकी खेती चारे के रूप में बहुतायत मात्रा में की जाती है। ठीक है, तो ये जान लिया कि किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो गर्म क्षेत्रों में किया जाता है, और किन किन क्षेत्रों में, यानी कि उसके बाद यानी कि वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ। तो अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो मध्य अमेरिका,
मध्य दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है, इन देशों में इसकी कल्टीवेशन की जाती है, खेती की जाती है। किस रूप में की जाती है? चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं भारत में, बात करें तो भारत में किन किन राज्यों में किया जाता है? तो भारत में पंजाब हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन राज्यों में भी इसकी कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं हम, अब बात करेंगे महत्व, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, हरे चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। किस रूप में प्रयोग करते हैं? हरे चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, हरे चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके दूसरी बात, इसकी फसल जो है ठंडी गर्मी दोनों मौसम में ली जा सकती है, ठंडी व गर्मी दोनों मौसम में की जा सकती है, दोनों मौसम में इसकी खेती की जा सकती है। नेक्स्ट बात क्या है? ये जो है पशुओं को, पशुओं के हे बनाने के रूप में, पशुओं के हे बनाने के रूप में भी किया जाता है, पशुओं के हे बनाने के रूप में भी किया जाता है। हे क्या होता है? एक प्रकार का चारा होता है जो स्टोरेज करके रखा जाता है, ठीक है, पशुओं के चारे। और इसमें जो आपका नेपियर घास होता है, इसमें काफी मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंस के अंतर्गत है। और इसकी जो फसल होती है, नेपियर घास जो होती है, इसको 4-5 महीने तक सुप्तावस्था में भी रखा जा सकता है, 4 से 5 माह, 4 से 5 माह तक सुसुप्तावस्था में भी रखा जा सकता है, सुसुप्तावस्था में भी रखा जा सकता है। ठीक है, ये इतने कुछ बातें थी, यानी कि हरे चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। इसकी जो फसल है ठंडी और गर्म दोनों में लिया जा सकता है, पशुओं के चारे को जो हे के रूप में बनाने के लिए किया जाता है, और इसमें पौष्टिक तत्व तो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसकी जो फसल होती है 4-5 महीने तक, जब कहने का मतलब कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं होती, गर्म जलवायु नहीं होती है, तो कहने का मतलब ये 4-5 महीने तक सुसुप्तावस्था में भी रहता है, ग्रोथ नहीं करता है, तो अपनी सुसुप्तावस्था में चला जाता है। जैसे भी इसके अनुसार, इस फसल के अनुसार क्लाइमेट मिलने लगती है, गर्म जलवायु आ जाती है, वैसे ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि इसके सीड के लिए बात कर लें, तो जो आपकी भारत की जलवायु है, इसके सीड प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हर मौसम पाया जाता है, बदलता रहता है, हर 4 महीने में इसका जो मौसम है बदलता रहता है, तो बीज उत्पादन के लिए भारत की जलवायु उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, जहां जिन देशों में इसका सीड का प्रोडक्शन किया जाता है, जिन भी देशों में सीड का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, तो वो गर्म देश होते हैं, जैसे आपने पढ़ा अफ्रीका, अमेरिका, जो गर्म देश होते हैं, वहां पर इसमें जो फ्लावरिंग और जो बीज यानी पुष्पन की क्रिया होती है, कब होती है? तो जनवरी फरवरी के महीने में होती है। पुष्पन की क्रिया कब होती है? पुष्पन कब होता है? तो जनवरी फरवरी में होता है। कब होता है? जनवरी फरवरी में पुष्पन होता है। क्लियर इतनी बात? फिर एक चीज और है, इसकी घास में जो है आक्जेलिक अम्ल की मात्रा अच्छी पाई जाती है। किस अम्ल की? इसमें एक, इस घास में एक अम्ल पाया जाता है, वो अम्ल कौन 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 सा है? तो आक्जेलिक अम्ल की अच्छी मात्रा पाई जाती है। किस अम्ल की? आक्जेलिक अम्ल की मात्रा अच्छी पाई जाती है। किस अम्ल की मात्रा? आक्जेलिक अम्ल की मात्रा जो है अच्छी पाई जाती है। और इस चारे को इसीलिए किसी अन्य चारे के साथ, यानी किसी चारे के साथ मिलाकर पशुओं को दिया जाता है। तो ठीक है ना, इंपॉर्टेंस हो गया था, अब इसके आगे देखो जलवायु के बारे में देखते हैं, ठीक है ना, किसके बारे में देखेंगे? जलवायु के बारे में। जलवायु, कौन किसके बारे में जानना है? जलवायु। तो जैसे कि आपने पहले ही जान लिया, गर्म जलवायु का है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। किस क्लाइमेट का है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, यानी उष्ण, उष्ण जलवायु का फसल है, उष्ण जलवायु की फसल है। किस जलवायु की फसल है? उष्ण जलवायु की फसल है, यानी कि इसकी फसल के लिए उच्च तापमान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्च तापमान, ठीक है, उच्च तापमान वाली फसल है। ठीक है, फिर
जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए जलवायु के अंतर्गत, यानी अधिक वर्षा भी होते हो, यानी अधिक वर्षा भी इसकी फसल के लिए जो है बढ़िया माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। अधिक तापमान, अधिक वर्षा, ठीक है ना, बेटर होता है इसकी फसल के लिए। फिर उसके बाद साल की जो वार्षिक वर्षा होती है 200 mm वर्षा जो है वार्षिक वर्षा की रिक्वायरमेंट होती है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 200 mm वार्षिक वर्षा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके प्लांट की जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना, इसके प्लांट की ग्रोथ जो है गर्म जलवायु में बहुत अच्छी होती है। अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो इसकी ग्रोथ में प्रभाव पड़ जाता है, क्या हो जाता है, इसकी ग्रोथ में प्रभाव पड़ जाता है। अगर टेम्परेचर हाई है तो इसमें ग्रोथ अच्छा होता है, ठीक है, फसल अच्छी तैयार होती है। फिर उसके बाद इसका जो कम से कम जो तापमान होना चाहिए 60 अंश फारेनहाइट, और अधिक से अधिक अगर इसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, इसकी खेती कर रहे हैं, इसकी अगर खेती कर रहे हैं तो खेती के लिए जो तापमान होना चाहिए कम से कम 60 अंश फारेनहाइट, फारेन हाइट, ये कम से कम है, कम से कम, और ज्यादा ज्यादा 115 अंश फारेनहाइट, होना चाहिए, ठीक है ना। इसी कल्टीवेशन के लिए जो तापमान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कम से कम 60 अंश फारेनहाइट, और ज्यादा से ज्यादा 115 अंश फारेनहाइट होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सॉइल की, भूमि की, काहे की भूमि, अच्छा किस प्रकार की भूमि में जो है इसकी खेती की जाती है, ठीक है ना, किस प्रकार की भूमि में इसकी खेती की जाती है। तो भूमि लगभग लगभग डिफरेंट टाइप जो है सॉइल में किया जा सकता है इसकी खेती, हर प्रकार की मृदाओं में इसकी खेती की जा सकती है, समझ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी मृदा है परीक्षण के द्वारा ज्ञात हुआ है, परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया गया है कि जैसे कि आपकी जो भारी भूमि होती है, जो आपकी भारी भूमि होती है, भारी भूमि की अपेक्षा हल्की भूमि में जो है इसकी जो पैदावार है, ठीक है ना, प्लांट का ग्रोथ है बेहतर होता है, ठीक है ना। भारी भूमि की अपेक्षा हल्की भूमि इसके खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी गुड मानी जाती है, अच्छा माना जाता है, सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसके लिए जो भूमि होती है दोमट एवं बलुई दोमट, दोमट एवं बलुई दोमट जो है उत्तम मानी जाती है, दोमट एवं बलुई दोमट अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना, उपयुक्त होती है, ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना। यानी कि भूमि कैसी होनी चाहिए, दोमट एवं बलुई दोमट, यानी कहने मतलब भारी भूमि की अपेक्षा जो हल्की भूमि होती है वो इसके लिए बेहतर मानी जाती है, उसमें जो है ग्रोथ अच्छा होता है, बेहतर होता है इसकी खेती के लिए। अब बात करते हैं जलवायु हो गई, भूमि हो गई, भूमि के बाद अब बात करेंगे काहे की, बात करेंगे किस्में, कुछ इसकी किस्में हैं, ठीक है, उन किस्मों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी किस्में हैं। तो पूसा जॉन नेपियर है, कौन सी है, किस्में, कौन सी किस्में की किस्मों के बारे में जानेंगे, पूसा जॉन नेपियर, पूसा जॉन नेपियर, ठीक है, ये किस्म हो गई, ये जो है आपकी नेपियर और बाजरा का क्रॉस है, किसका क्रॉस है, नेपियर और बाजरा का क्रॉस है, ठीक है, नेपियर और बाजरा का क्रॉस है, किसका क्रॉस है, ये किससे तैयार की गई है, नेपियर और बाजरा के क्रॉस से तैयार की गई है, इसमें प्रोटीन और शर्करा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसका यानी कि फीचर है, इसे एक लक्षण है पूसा जैन नेपियर का कि इसमें जो प्रोटीन होती है और जो शर्करा होती है अच्छी मात्रा में पाई जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी आपकी किस्में हैं, NB21 हो गई, कौन सी हो गई, NB21 हो गई, NB6 हो गई, NB6 हो गई, NB17 हो गई, NB21, NB6, NB17, NB25, NB25, PNB87, 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 PNB94, PNB94, PNB72, PNB
72। और कुछ वराइटियाँ हैं जैसे कि आपकी IGFTRI, IGFTRI 10, IGFTRI 10 हो गई, 7 भी है और 6 भी है, ये भी इसकी वराइटियाँ हैं। IGFTRI 10, IGFTRI 7, IGFTRI 6, ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट वराइटियाँ थी जिसके बारे में जान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें फील्ड प्रिपरेशन के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, फील्ड प्रिपरेशन, खेत कैसे तैयार करेंगे। ठीक है ना, फील्ड प्रिपरेशन की बात करते हैं, किसकी, फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड प्रिपरेशन यानी खेत कैसे तैयार करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात, फील्ड प्रिपरेशन करने के बाद सबसे पहली बात तो इसमें जो है जो जुताई किया जाएगा, मिट्टी पलटने वाले हल से किया जाएगा। किससे, मिट्टी पलटने वाले हल से, सबसे पहले बात मिट्टी पलटने वाले हल से किया जाएगा, मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई की जाएगी। सभी जानते ही होंगे है ना, मिट्टी पलटने वाला हल जो मिट्टी केवल तोड़ता है, ठीक है, जो मिट्टी को केवल तोड़ता है उससे किया जाता है। फिर मिट्टी की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विभिन्न अवस्थाएं मतलब जैसे कि मिट्टी पलटने वाले से जब जुताई कर दी जाती है उसमें तो बड़े बड़े चीपे टाइप में हो जाते हैं ना, बड़े बड़े ढेले टाइप में हो जाते हैं, तो उनकी विभिन्न अवस्थाओं को जो है तोड़ने के लिए, समझ रहे हैं, विभिन्न अवस्थाओं को तोड़ने के लिए जो है फिर अन्य प्रकार के यंत्रों से उनकी जुताई की जाती है। ठीक है ना, अन्य प्रकार के यंत्रों से जुताई की जाती है और फिर उनको समतल करने के लिए पाटा लगाते हैं। इतनी बातें फील्ड प्रिपरेशन में की जाती हैं, क्लियर। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, यानी कि एक तो ये हो गया मिट्टी पलटने वाले, उसके बाद विभिन्न अवस्थाओं को तोड़ने के लिए आप विभिन्न प्रकार के यानी कि जुताई करने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हैरो हो गया, रोटावेटर हो गया या कल्टीवेटर हो गया, इन सब का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद भूमि को समतल करने के लिए पाटा लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं सोइंग टाइम की, काय की बात करेंगे, सोविंग टाइम की यानी बुआई का समय क्या होता है। ठीक है, सोविंग टाइम बुआई का समय। ठीक है, तो एक चीज जान रहे हैं कि ये जो नेपियर घास है गर्म जलवायु की फसल है। ठीक है, किस जलवायु की फसल है, गर्म जलवायु की फसल है, तो इसके जो बुआई है आप बसंत सीजन यानी स्प्रिंग सीजन में भी करते हैं और वर्षा ऋतु में भी की जाती है। किन किन सीजन में की जाएगी, एक बसंत सीजन यानी कि जो बसंत ऋतु आती है तब, यानी फरवरी मार्च के महीने में, फिर एक होता है आपका वर्षा ऋतु यानी कि जुलाई अगस्त के महीने में, तब भी बुआई की जाती है ना, इनका जो बुआई का समय होता है। ठीक है, लेकिन साल के 12 महीने इसकी फसल ली जा सकती है, समझ रहे हैं, और इसकी फसल जो है एक फील्ड पर लगभग 2-3 साल तक ली जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो जब तापमान कम हो जाता है, तापमान जब कम हो जाता है तो इसकी फसल जो है सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। किसमें चली जाती है, सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। ठीक, तो जान लिया कौन कौन से सीजन में, एक तो बसंत बसंत ऋतु में, दूसरा वर्षा ऋतु में, बुआई का समय क्या होता है, बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु, ये दो के सीजन होते हैं जब बुआई की जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोपोगेशन का, जैसे कि काय की बात करेंगे, प्रोपगेशन यानी कि प्रसारण, प्रसारण का निम्न विधियों से किया जाता है। ठीक है ना, प्रसारण समझ रहे हैं ना, तो प्रसारण निम्न विधियों से, कहने का मतलब प्रसारण किन किन माध्यमों से किया जाता है, तो प्रसारण इसमें जो है प्रकंद द्वारा भी किया जाता है, किसके द्वारा, प्रकंद, तने और किसके द्वारा करते हैं, रूट के द्वारा भी किया जाता है, किसके द्वारा, रूट के द्वारा यानी कि जड़ों के द्वारा, इन तीन मेथड से प्रोपोगेशन किया जाता है। नेपियर घास में किसके किसके माध्यम से किया जाता है, आपका
प्रकंद के द्वारा किया जाता है, तने के द्वारा किया जाता है और जड़ों के द्वारा जो है किया जाता है। अच्छा, राइजोम माने ही होता है क्या? प्रकंद होता है, वो प्रकंद भूमिगत तना। प्रकंद क्या होता है? भूमिगत तना होता है। स्टेम को बोलते हैं तना, रूट माने जड़। इन तीनों के द्वारा जो है आपका प्रसारण किया जाता है, यानी प्रोपोगेशन किया जाता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सोविंग मेथड की। ये तो आपको प्रोपोगेशन के मेथड हो गया, यानी कितने तरीके से इसको प्रोपोगेट किया जा सकता है ना, कितने तरीके से इसको प्रसारण किया जा सकता है। तो तीन मेथड हैं, प्रकंद के द्वारा भी, तने के द्वारा भी किया जा सकता है और जड़ों के द्वारा किया जाता है। फिर अब बात करते हैं कि इनके सोइंग मेथड क्या होता है, किस विधि से जो है इनकी बुआई की जाती है। तो दो मेथड हैं, एक कूड़े में बुआई की जाती है, यानी फारो सिस्टम होता है। कूड़े में बुआई करने का मतलब फारो सिस्टम, ठीक है। दूसरा है कि जो टुकड़े होते हैं स्टेम, देखो लिखता हूँ, ठीक है ना। तो सोविंग मेथड होता है, अगला कौन सा है? सोविंग मेथड। सोविंग मेथड में कौन कौन सा है? एक कूड़े में, हाँ कुंडों में, किसमें? कुंडों में बुआई की जाती है, कुंडों में बुआई, ठीक है। और दूसरा यह है कि 45 अंश के कोण पर, कितने अंश के कोण पर? 45 अंश के कोण पर तने को गाड़ना है, तने के टुकड़े को गाड़ना, तने के टुकड़ों को गाड़ना या तने को गाड़ना, टुकड़ों को गाड़ना, ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए, ये दो मेथड होते हैं जिनके द्वारा से इसमें जो है मेथड, जो सोविंग का बुवाई का मेथड अपनाया जाता है। ये दो तरीके होते हैं आपका। पहला कौन सा है? कूड़ों में बुवाई करना, ठीक है, जिसे फारो मेथड कहते हैं। कौन सा कहते हैं? फारो मेथड कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें जो तने के टुकड़े होते हैं, ठीक है ना, इनके जो तने के टुकड़े होते हैं उनको जो है गड्ढे टाइप में खोद दिए जाते हैं और उसमें डाल दिए जाते हैं गड्ढों में, ठीक है ना, और उसके ऊपर बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। लगभग कितना टुकड़ा लगता है? अगर कूड़ों में बुआई कर रहे हैं, नेपियर घास की अगर बुआई करना है तो कितना टुकड़ा लगेगा तने का? तो 7 से 10 हजार। कितना लगेगा? 7 से 10 हजार प्रति हेक्टेयर लगता है। कितना लगता है? 7 से 10 हजार प्रति हेक्टेयर लगता है। कितना लगता है? 7 से 10 हजार प्रति हेक्टेयर लगता है आपका, क्या? आपका तना, स्टेम, तना की बात हो रही है, ठीक है ना, ये तना है। और यहीं पर बात कर लें अगर जड़, तो जड़ कितना लगेगी इसमें? तो जड़ इसमें जो है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लगती है। कितनी लगती है जड़? कितनी लगेगी? 10 से 15 क्विंटल, 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या लगेगा? जड़ लगेगी, ठीक है। ये आपका फारो सिस्टम के अंतर्गत है, यानी कूड़ों में जब आप बुआई करेंगे तब। दूसरा आपका है क्या? 45 अंश के कोण पर तने के टुकड़ों को गाड़ना। एक दूसरा मेथड यह है आपका कि 45 अंश के कोण पर तने के टुकड़ों को गाड़ना। इसमें क्या होता है? इसमें जो है जैसे कि इसमें करते हैं कूड़ों में, ठीक है ना, केवल फर्क इतना होता है इसमें जो है भूमि में जो है 45 इतना ध्यान देना होता है, जो टुकड़े लगाए जाएंगे, जो स्टेम आप लगाएंगे, जैसे अन्य में जैसे होता नहीं, स्टेम कटिंग लगाई जाती है, ठीक है ना, जैसे गुलाब में देखा, उसमें भी देखा था ना 45 अंश के कोण पर झुकाव किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जो है जो टुकड़े होते हैं उनको जो है 45 अंश के झुकाव पर जो है ऐसे जो भी 45 अंश का झुकाव होता है उतने पर झुका कर लगाते हैं। जैसे ये फील्ड है तो ऐसे झुका कर 45 अंश के झुकाव पर लगाया जाता है। कितना अंश का झुकाव होता है? 45 अंश का झुकाव होगा, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं उर्वरक की, ठीक है। फिर उसके बाद काय की बात करेंगे? उर्वरक की, ठीक है। उर्वरक कितनी देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए? तो गोबर की खाद, गोबर की खाद जो है सबसे पहले FYM देख लीजिए, FYM गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में देख लेते हैं, फर्टिलाइजर उर्वरक, ठीक है ना, नाइट्रोजन कितना दिया जाता है नेपियर घास में? नाइट्रोजन कितना दिया जाता है? तो 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन कितना देंगे?
120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर फास्फोरस, फास्फोरस बोले तो पी, क्या पी, फास्फोरस कितना दिया जाएगा 50 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना 50 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। फिर इसमें जो है आपका जो पोटास होता है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। पोटास का काम क्या होता है ये सभी जानते हैं, पोटास का काम ये होता है ग्रेन साइज को बढ़ाना होता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। तो आपकी जो नेपियर घास है ये जो है हरे चारे के रूप में प्रयोग की जाती है, इसलिए ये मस्ट नहीं होता है। ठीक है, एक बात और होती है, जब प्रथम काट कर लेते हैं, पहली कटाई कर लेते हैं नेपियर घास की, तो पहली कटाई के बाद जो है प्रति कटाई जो है नाइट्रोजन की मात्रा को देना चाहिए 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है ना, प्रत्येक काट पर, जब प्रत्येक हार्वेस्टिंग पर नेपियर घास को 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त नाइट्रोजन देना चाहिए। ठीक है, क्लियर इतनी बात। उसके बाद अब बात करेंगे काहे की, अब इसमें बात करेंगे उपज की, काहे की बात करेंगे उपज की। हाँ एक चीज और, हार्वेस्टिंग देख लेते हैं, दो बिंदु बचे हैं आपके, हार्वेस्टिंग एल्ड, दो चीजें बची हैं। ठीक है ना, हार्वेस्टिंग कब की जाती है, पहली कटाई इसमें 80 से 90 दिन पर की जाती है। पहली कटाई कब की जाती है 80 से 90 दिन में, बुआई के, बुआई के बाद 80 से 90 दिन पर जो है पहली कटाई की जाती है। और जब पहली कटाई करते हैं 80 से 90 दिन बाद, ठीक है ना, तो क्या करते हैं हर कटाई पर जो है 30 किलोग्राम अतिरिक्त नाइट्रोजन दिया जाता है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद एल्ड की बात कर लेते हैं, तो एल्ड जो है इसमें जो है 800 से 1000 क्विंटल, 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। ठीक है ना, किस रूप में, हरे चारे के रूप में प्राप्त किया जाता है। अच्छा, कहीं कहीं पर इससे ज्यादा भी पाया गया है, 1500 क्विंटल 2500 क्विंटल तक भी उपज पाया गया है, लेकिन एक एवरेज जो उपज होती है 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक, तो ये आपकी क्रॉप कंप्लीट हो गई।